कम से कम 80 दिन से ये घटना घट रही है। जब 80 दिन से घट रही है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुपचाप है और वो फ्रांस, इजिप्त, उधर इधर सब जगह जाके आए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किए, लेकिन मणिपुर उनको याद नहीं है। और मणिपुर में जाके कम से कम एक मीटिंग करके लोगों को बुला के सांत्वन कर सकते थे। वहाँ पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो ऐसे सब चल रहा है तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। जब आपको समय 38 पार्टी को बुलाने का समय है, क्या एक घंटा अपने इतने बड़े, आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है और आप सुरक्षित जाके सुरक्षित आ सकते हैं, और राहुल जी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो भी वो लोगों में जाकर मिले और उनसे बात किए, लेकिन आपके पास इतनी व्यवस्था रहते हुए भी सरकार का सब साधन आपके पास है तो आप क्यों नहीं जा रहे? सबसे बेहतर रास्ता ये है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र सरकार सीधे प्रशासन अपने हाथ में ले, तो शायद जो कुकी हैं और क्रिश्चियंस और आदिवासी हैं वो संतुष्ट हों थोड़े से और बातचीत शुरू हो। अभी तो बातचीत करने की स्थिति नहीं, रोज़ गड़बड़ हो जाता है, घर जला दिए जाते हैं, MLA के घरों पे हमला हो रहा है, सब हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसको ठीक करने के लिए मैंने वहाँ गृहमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी कहा था कि आप इसको अपने उसमें लीजिएगा। उसमें जब जनता का मुख्यमंत्री से विश्वास हट गया एक पक्ष का पूरी तरह से कि एक पक्ष ही काम कर रहे हैं, तो कभी शांति नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती वहाँ शांति। 30-40 लोगों की भीड़, दो महिलाएं उन्हें नग्न करते हैं, उनके कपड़े खींचते हैं, पूरी तरह नग्न कर देते हैं, फिर नोचते हैं, बीच बीच में ले जाके सामूहिक बलात्कार की भी खबरें आ रही हैं। मोदी जी, मणिपुर सरकार, अगर तुम्हें जरा भी नैतिकता है तो याद कर लेना, तुमने पुनरावृत्ति की है महाभारत काल की, इसी की पुनरावृत्ति 2024 में फिर होने जा रही है। आपकी राज में इस हैवानियत की सजा भारत की जनता आपको जरूर देगी, हम शर्मसार हैं आज दुनिया के साथ। दो महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है उसका एक वीडियो सामने आया है, देश के सामने आया है। ये घटना 2 महीने पहले की है, पुलिस स्टेशन से उनको खदेड़कर उन महिलाओं को निकाला गया था, और जिस तरीके से एक शर्मनाक, दर्दनाक हादसा सामने आया है वो देश को शर्मसार करने वाला है, मन को विचलित करने वाला है। महिला सांसद होने के नाते मैं चाहती हूँ मणिपुर पे चर्चा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़े, देश की जनता को आकर पार्लियामेंट के माध्यम से जवाब दें कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज तक देश की महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, और जब पूरा ट्विटर पर ये वायरल हुआ है वीडियो, जब उन पर प्रेशर आया है तो कहती हैं कि मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, देश की मोस्ट इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, जिन्होंने किसी तरीके का विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? मैं सरकार से बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती है, एक सांसद के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, बंद करिए ये खेला, बंद करवाइए ये खेला, ये आप लोग का ही शय है। मैं सरकार से सवाल करती हूँ, ये प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो तो वहाँ पर भाषण दे के आए थे कि 25 साल का हम एक खाका तैयार कर रहे हैं मणिपुर के लिए, ये है 25 साल का खाका? One of the most horrific videos have come from Manipur. I have seen it and I'm shaken to the core and I was unable to sleep at night. The video very categorically shows that there are two girls, two Manipuri girls standing there, and a group of men are hounding them. They parade them naked, they molest them, and after that
they gang rape these girls. It is so horrific. And the fact is that 2.5 months back, this incident was reported. An FIR was registered by Manipur police, but till now, not a single of the perpetrators have been arrested. How shameful is that? And what is even more shameful is the complete silence of the center on this issue.